भड़क गया बहुत जोर से। अरे सवूर नहीं, कैसा पागल महात्मा है, ए इतने दिव्य महाप्रसाद को जूती के भीतर लेगा, भाग यहां से, पागल कहां से आ गया, ऐसे फटकारने लगे। पर गोस्वामी शांत भाव से बैठे रहे, अहंकार तो नाम मात्र को नहीं। बोले महाराज ये पादुका सामान्य छोड़ो है, आप इस ब्रजरज का महत्व नहीं जानते, इस ब्रजरज में भगवान लोटे हैं और ये पादुका निरंतर ब्रजरज में रहती है। ब्रजरज का माथे पे तिलक लगाते हो, अपने आप को पवित्र मानते हो और ये पादुका निरंतर रज में ही रहती है और संतों के चरणों की प्रसादी है, तो पवित्र कहां रही, ये तो परम पवित्र हो गई। अब ये गोस्वामी जी की संत निष्ठा है, हम लोगों के लिए बात आदर्श नहीं हो सकती, हम आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गोस्वामी जी वालों के स्तर की बात है। तो ये जूती परम पवित्र है, पादुका आप डाल दीजिए। बार बार कहने लगे और भड़के, और भड़के तो और 5-10 लोग इकट्ठे हो गए। तभी नाभाजी के कान में ये हल्ले की आवाज गई, तब उनको लगा कि हमारा कोई व्यक्ति किसी साधु पर गर्म हो रहा है। अरे साधु सेवा संतों का सम्मान करने के लिए तो भंडारा किया है, अब किसी संत का अपराध हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं। जैसे ही नाभाजी आए, और जैसे ही आए रसोईया से पूछा क्या बात है, बोले महाराज देखिए कैसा पागल महात्मा आया है, कह रहा है जूती में खीर परोस दीजिए, डोना नहीं है इसके पास। नाभाजी ने कहा ऐसा कौन महापुरुष है जिसको संतों की पादुका में इतना प्रेम है कि जूती में खीर लेने को तैयार है, पाने को तैयार है, देखे तो सही। गोस्वामी जी सिर नीचा करके बैठे थे, जैसे ही झुक के देखा तो झट पहचान गए, रे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, साष्टांग दंडवत नाभा गोस्वामी जी ने वही पंगत में किया। जब नाभा जी प्रणाम करने लगे तो सब महात्मा लोग खड़े हो गए, किसको प्रणाम कर रहे हैं, देखे तो तुलसीदास जी महाराज है। नाभाजी ने चरणों में प्रणाम किया, रो रो कर क्षमा मांगने लगे, भुजा में भर करके भीतर लेकर के गए, सुंदर आसन बिछा करके चौकी लगा करके गोस्वामी जी को प्रसाद परोसा और सबसे हाथ उठा करके कहा कि पहले प्रसाद पाइए, आप सब लोग बैठी है, परोसाई हुई, प्रसाद पा लिया। प्रसाद पाने के पश्चात सब हाथ धो करके जाने वाले थे, तभी नाभाजी ने भुजा उठा करके सब साधुओं को रोक लिया कि हे साधु संतो ठहरिए, आप जानते हैं नाभा गोस्वामी वृंदावन क्यों आया है, मैं यहां पर एक विशिष्ट महापुरुष की खोज करने के लिए आया था। आप जानते हैं गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हमारे द्वारा भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई है, उसमें मन के सब भक्त हैं, पर आप वैष्णव जप करने वाले जानते हैं कि सब मन के तो एक से होते हैं, लेकिन उसके ऊपर माला के ऊपर एक बड़ा सुमेरु होता है। तो मेरी भक्तमाला तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इस भक्तमाल में सुमेरु कौन है, जो ऊपर सबसे बड़ा मन का होता है वो सुमेरु कौन है। आज मैं आप सब संतों की साक्षी में इस श्री वृंदावन धाम में उद्घोषणा करता हूं कि मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया है। बोले कौन है, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरी भक्तमाल के मेरे भक्तमाल के सुरमोर सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और उसी समय भक्तमाल जी की प्रति मंगाई थी और गोस्वामी जी के लिए छप्पे गाया था कि कली कुटिल जीवन स्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध कियो शत कोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परा अब भगतन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रस मत रहत अहनिसि व्रत धार संसार अपार के पार को सुगम रूप नो कालयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी। मैंने इनको सुमेरु बनाया है जिसकी संत चरण में इतनी निष्ठा है, जिसकी ब्रज रज में इतनी निष्ठा है, जिसकी महाप्रसाद में इतनी निष्ठा है, वही भक्तमाल का सुमेरु होने योग्य है। तो गोस्वामी जी मेरी भक्तमाल के सुमेरु हैं। बहुत प्रेम पूर्वक मिले गोस्वामी जी, सबको प्रणाम करके कुटिया में लौट आए। अनेक दिन तक नाभाजी से सत्संग होता रहा। फिर एक दिन गोस्वामी जी ने सोचा कि अब चल करके
धाम में ठाकुर जी के दर्शन भी किए जाए। श्री विग्रह विराजमान हो चुके थे तब गोस्वामी जी वहां से ज्ञान गुदड़ी के मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए गए। आप सबको ज्ञात है, गौर कथा में हम लोग श्रवण करते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले श्री वृंदावन धाम लुप्त हो गए थे, ब्रजभूमि लुप्त हो गई थी। कोई नहीं जानता था वृंदावन को, ब्रजभूमि को कोई नहीं जानता था। झाड़ झंकार से आवृत हो गया था पूरा ब्रज। ब्रज केवल दो बातों से जाना जाता था, एक तो यमुना जी से और एक गिरिराज जी से। बस ये एक अनुमान था कि यही ब्रजभूमि है। कौन स्थली कहाँ है किसी को नहीं पता था। तो इस ब्रज का कलयुग में दोबारा प्राकट्य किसने किया? इस ब्रज वृंदावन को दोबारा प्रकट किया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आश्रित पार्षदों ने। सबसे पहले माधवेंद्रपुरी पाद पधारे, गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया, फिर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी भूगर्भ गोस्वामी जी महाप्रभु जी की आज्ञा से आए, उनसे पूर्व अद्वैताचार्य जी आए, अद्वैत वट का प्रकाश किया, श्री नित्यानंद प्रभु जी आए, श्रृंगार वट का प्रकाश किया, लोकनाथ गोस्वामी जी आए, राधा विनोद जी प्रकट किए, और फिर महाप्रभु जी की आज्ञा से रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी पधारे। और आज रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव है। पवित्रा एकादशी और द्वादशी के मिलन स्थल पर रूप गोस्वामी जी अंतर ध्यान हुए हैं। इन रूप गोस्वामी जी के लिए नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है, जहां से वृंदावन के रसिकाचार्यों का वर्णन करना प्रारंभ किया, सबसे पहले रूप सनातन जी के लिए छप्पे लिखा। और नाभाजी ने कहा कि संसार स्वाद सुख बात ज्यो, दुहु रूप सनातन त्याग दियो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो। मैं उन रूप सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने संसार के विषय सुख को वात के समान, उल्टी के समान त्याग दिया, और जिन्होंने ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, जिन्होंने इस ब्रज भूमि का प्रकाश किया, राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना का प्रकाश किया। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, ब्रज भूमि वृंदावन जानत ना को उपराय, दई दर्शाए जैसी शुकमुख गाई है। भक्तमाल जी में लिखा है कि वृंदावन ब्रजभूमि को कोई नहीं जानता था, किसने प्रकटाया? श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने। ब्रज भूमि वृंदावन जानत ना को उपराय, दई दर्शाए जैसी शुकमुख गाई है, रीति हूं उपासना की भागवत अनुसार, लियो रस सार सो रसिक सुखदाई है। भागवत जी की जो रस पद्धति थी, जो अभी तक श्लोकों के रूप में विराजमान थी, उस दिव्य पद्धति को प्रकट किया। और श्री ब्रज वृंदावन, श्री राधा माधव का मंजरी भाव से किस प्रकार भजन होता है, ये सखी भाव क्या है, ये मंजरी भाव की उपासना क्या है, क्या प्रिया प्रियतम को सुख पहुंचाने की, तत्सुख सुखित्वम की कैसी भावना है, इस रस को प्रगटाने वाले कौन है? ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात ज्यो, दुह रूप सनातन त्याग दियो। श्री रूप सनातन जी हैं। श्री तुलसीदास जी दर्शन करने के लिए निकले हैं और उस समय वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी विराजमान थे, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी जी तो संबत 1611 में अंतर ध्यान हो गए और गोस्वामी जी का उसके बाद पधारना हुआ। और उस समय ब्रज के नायक थे श्री जीव गोस्वामी जी, तो श्री जीव गोस्वामी जी से गोस्वामी पाद का मिलना हुआ और श्री जीव गोस्वामी जी ने समस्त वृंदावन का दर्शन कराया। कोई ब्रजभूमि को नहीं जानता था। महाप्रभु जी की आज्ञा से रूप सनातन गोस्वामी जी अपने हाथ में वराह पराण की पोथी लेकर के, अपने दूसरे हाथ में कलम कागज लेकर के, दोनों भाई घूमा करते थे वृंदावन में झाड़ झंकार में। और जैसे जैसे पुराणों में लिखा हुआ था कि इतनी दूरी पर, इस दिशा में, इतने कोण पर,
ये लीला स्थली है, इतनी दूरी पर इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस कोण में ये लीला स्थली है। पुराणों से मिला मिला करके, भूमि को नाप नाप करके उन लीला स्थलियों को खोजते थे, झाड़ झंकार को हटाते थे, अपने हाथों से खुदाइयां करते थे, फिर हाथ से पोथियों में लिख लिख करके रखते थे। अकेले रूप सनातन गोस्वामी जी ने लगभग 350 लीला स्थलियों को प्रकट किया। आज जिस वृंदावन का हम दर्शन कर रहे हैं, लीला स्थलियों का, नंदगांव को प्रगटाने वाले कौन है कोई नहीं जानता जो नंदगांव कहां है। नंदगांव को प्रगटाया सनातन गोस्वामी जी महाराज ने, कोई नहीं जानता था बरसाने को, बरसाना धाम किसने प्रगटाया, श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने। वृंदावन को प्रकट किया श्री स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने। श्री गिरिराज जी को, राधा कुंड को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया। ब्रज के समस्त मनों को, समस्त लीला स्थलियों को श्री गौड़ीय आचार्यों ने घूम घूम करके उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और ये रूप सनातन गोस्वामी जी ये कोई गरीब घर से नहीं थे, बहुत विस्तृत चरित्र है, चरित्र कहने को समय नहीं है। बंगाल के राजा हुसैन शाह के यहां उच्च पद पर थे, सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे राजा के यहां, हुसैन शाह के यहां, और रूप गोस्वामी जी राजस्व मंत्री थे। एक भाई को साकर मल्लिक की, एक भाई को दबीर खास की उपाधि मिली थी, लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी की आज्ञा हुई, रामकेली ग्राम में रूप सनातन से मिलना हुआ, हृदय के भीतर प्रेम की ज्वाला उत्पन्न हो गई और निश्चय कर लिया अब यहां नहीं रहेंगे, अब वृंदावन जाकर के महाप्रभु जी के बताए पथ पर चलना है, श्यामा श्याम का भजन करके अपने जीवन का कल्याण करना है। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, उस समय रूप सनातन गोस्वामी जी के पास कितना धन था जब उन्होंने घर त्याग किया, बोले 22,00,000 तो स्वर्ण मुद्राएं थी, और स्वर्ण मुद्रा आज जैसी नहीं, एक स्वर्ण मुद्रा का वजन था लगभग 54 ग्राम। ये 500 बरस पहले की बात है, अब आप 54 ग्राम को 22 लाख से गुणा करके देखिएगा कितने मन सोना हो गया। इतनी तो उनपे स्वर्ण मुद्राएं थी, और कितने घोड़े, कितनी भूमि, कितना उसका कोई लेखा जोखा नहीं। इस सारी संपत्ति को जैसे कोई वमन करके त्याग देता है, ऐसे इस संपत्ति को त्याग दिया, वैष्णवों में, ब्राह्मणों में, दीन दुखियों में बांट दिया। कुछ संपत्ति को, एक भाग को अपने घर के परिवारजनों के सेवा के लिए रखा, कुछ स्वर्ण मुद्राओं को एक वैश्य के यहां सुरक्षित किया, और पहले रूप गोस्वामी जी, फिर पीछे पीछे सनातन गोस्वामी जी भी कारागार से मुक्त हो करके महाप्रभु जी का दर्शन करने को चले। पता चला महाप्रभु जी वृंदावन आए हुए हैं, रूप सनातन जी भी पैदल चले, तब प्रयाग में रूप गोस्वामी जी से मिलना हुआ। रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने 10 दिन प्रयाग में रह के शिक्षा प्रदान करी। सनातन गोस्वामी जी से काशी में मिलना हुआ, महाप्रभु जी ने 2 महीने रह करके सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी, और यही कहा, उन्होंने पूछा हमारे लिए आज्ञा क्या है, बोले आज्ञा यही है कि वृंदावन में रह करके लीला स्थलियों का उद्धार करना है, श्री विग्रहों का आविष्कार करना है, ब्रज को बसाना है, और जो भक्ति धर्म इस समय लुप्त हो रहा है उस भक्ति धर्म को, कृष्ण भक्ति की स्थापना करनी है, वैष्णवों के ग्रंथों का सृजन करना है, और सबको कृष्ण भक्ति के राह पर चलाना है, यही मेरा आपसे निवेदन है। तब दोनों रूप सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु जी की आज्ञा से आए, और उस समय महाराज उत्कट भजन किया, दोनों भैया घूम घूम करके ब्रजस्थलियों का उद्धार करते थे। श्री गोविंद देव जी को रूप गोस्वामी जी ने ही प्रकट किया, जिस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था, लाल पत्थर का मंदिर, वहां पर गोमा टीला था, रूप गोस्वामी जी धाम का प्रकाश करने में लगे थे। तभी एक ग्वाल रूप गोस्वामी जी के पास आया और रूप गोस्वामी जी से कहा कि आप योगपीठ ढूंढना चाहते हैं ना, कि योगपीठ कहाँ है, वो स्थान कहाँ है जहां प्रिया प्रियतम दिव्य कमल पर गरबैया देके खड़े होते हैं,
और ललिता विशाखा जी दोनों उनके और चमर लेकर खड़ी होती हैं, वो स्थान कहाँ है आइए मैं बताऊं। रूप गोस्वामी जी चित्रलिखित की तरह उस ग्वाल के पीछे पीछे चले, ले जाकर के उसने वो टीला दिखाया जिसको गोमा टीला कहते हैं, और रूप गोस्वामी जी को कहा यही योग पीठ है द्वापर की। गोस्वामी जी ने कहा टीला तो बहुत बड़ा है। बोले इस टीले के इस पर्वत के भीतर श्री गोविंद देव जी विराजमान हैं, आप उनका प्रकाश करिए। ये कह करके वो सामरा बालक अंतर ध्यान हो गया। रूप गोस्वामी जी समझ नहीं पाए, स्वयं ठाकुर जी ने आकर के अपना पता बताया, और जब तक ये अपना पता न बतावे इनका पता लगता भी नहीं है। गोस्वामी जी उस टीले पर चढ़े तो देखा उस टीले के ऊपर एक स्थान पर गैया खड़ी होके अपने चारों थनों से दूध की धारा छोड़ रही है। गोस्वामी जी जान गए, और रूप गोस्वामी जी ने सब ब्रजवासियों एकत्र करके उस गोमा टीला की जब खुदाई करी तो 10 हाथ नीचे दिव्य श्री गोविंद देव जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ। कहिए श्री राधा गोविंद देव। ठाकुर जी को प्रकट किया अद्भुत गोविंद देव जी का स्वरूप है, टीले पर विराजमान किया। पीछे रघुनाथ भट्ट जी की आज्ञा से मानसिंह ने मंदिर बनवाया था, पर औरंगजेब के समय जब आतंक हुआ तब उस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। तब ठाकुर जी को पुजारी लोग जयपुर ले आए थे, चूंकि जयपुर में क्षत्रियों का राज था। आपने दर्शन किया होगा, अभी यात्रा गई थी कुछ दिन पहले, तब जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में सत्संग कीर्तन दर्शन हुआ था। गोविंद देव जी जयपुर में विराजते हैं, ये वही वृंदावन के ठाकुर हैं जो रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किए। सारे वृंदावन की लीला स्थलियों का उद्धार किया। फिर कुछ दिन रूप गोस्वामी जी नंदगांव के पास कदम्ब टेर जगह है, बड़ी सुरम में बड़ा सुंदर स्थल कदम्ब टेर, जहां ठाकुर जी ने छाक आरोगी लीला करी। तो रूप गोस्वामी जी वहां कदम्ब टेर पे रहते थे, आज भी उनकी भजन स्थली वहां है। सनातन गोस्वामी जी दूर रहते थे, बीच बीच में दोनों भाई मिलते थे, अलग अलग अपने कार्य में लगे हुए थे। एक बार सनातन गोस्वामी जी के मन में आया कि रूप से जाकर के मिले, तब वे ढूंढते ढूंढते कि रूप गोस्वामी कहाँ रह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी कुटिया की ओर चलने लगे। तब रूप गोस्वामी जी को पता चला कि मेरे बड़े भाई सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, और वे बड़े दुबले पतले, शरीर बहुत कृशकाय हो गया है। मन में इच्छा हुई, इतने दिनों बाद बड़े भाई आ रहे हैं, मैं तो यहाँ रोटी मांग के मधुकरी पे रहता हूँ, यदि खीर की व्यवस्था हो जाए, दूध की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी सुंदर खीर बना करके भोग लगा के अपने बड़े भैया को पवाऊंगा, सनातन गोस्वामी जी को पवाऊंगा। मन में ये लालसा आई, हम निर्जन में रहते थे, लेकिन राम सदा सेवक रुचि राखे, भगवान अपने भक्त की प्रत्येक लालसा का सम्मान करते हैं। रूप गोस्वामी जी सोच ही रहे थे कि खीर का प्रबंध हो जाता, दूध का प्रबंध हो जाता, खीर बना देता। इतने में देखा सामने से एक 7-8 वर्ष की बालिका खीर का सब सामान लेकर के, दूध भी, चावल भी, बूरा भी, मेवा भी, केसर भी, इलायची भी, सब लेकर के रूप गोस्वामी जी के पास आई। रूप गोस्वामी जी को प्रणाम किया। रूप गोस्वामी जी ने कहा लाली तू कहां से आई, तेरो नाम कहा है। लाली ने कहा बाबा मेरो नाम है राधिका, तू कहां रहे कि मैं यहीं बरसाने की निकट रहूं। तेरे बाबा को कहा नाम है, मेरे बाबा को नाम है वृषभान, तो तू कैसे आई है। बोले बाबा हमारी गैया ब्याई थी, अब गैया को 21 दिन हो गए हैं, तो अब उसका दूध काम में आएगा, तो मेरी मैया ने कही अब पीछे गैया का दूध काम में लेंगे, पहले बाबा को दूध दे आ, जो कदम्ब टेर पे बाबा भजन करे भूखो रह के, उसको दूध चावल दे आ, खीर बना के पालेगो। अब मैया ने ये भी कही है कि बाबा को खीर बनानी नहीं आती हो तो तू ही बना जाना, सो बाबा लियो खीर बना लेना। रूप गोस्वामी जी सुन के अचंभे में रह गए।
कि अभी मन में इच्छा हुई कि भैया आ रहे हैं उनको खीर बना के पवाऊंगा। राधा रानी ने इंतजाम कर दिया, ये नहीं पता था जो आई है वही राधा रानी है। लाली ने कही बाबा रोवे क्यों है, तो खीर बनानी नहीं आती होगी, सुना है बड़े रात घराने ते आयो है, कहा काम पड़ा होएगा रसोई में, तो ला बाबा मैं बना दूं। रूस गोस्वामी सुनती रहे देखती रहे, बोले अच्छा लाली चूल्हा जोड़ देता हूं मैं, तू बना देखी। गोस्वामी जी ने चूल्हा जोड़ दिया, बर्तन मांज ले आए और श्री जी ने दूध गेरा, सब सामान गेरा, और प्रिया जी ने सुंदर बस उनका तो कलछी चला देना ही पर्याप्त है। थोड़ी देर में बड़ी सुंदर खीर तैयार हो गई, लाली तो प्रणाम करके चली गई, ऐसी सुगंध उठ रही थी खीर में से, रूप गोस्वामी जी मुग्ध हो गए। तब ठाकुर जी को भोग लगाई, ठाकुर जी ने बड़ी चटकारे लेके पाई, राधा रानी के हाथ की बनाई खीर थी, बड़े प्रसन्न भए। फिर भोग लगा के रख दी, बाट देख रहे थे, इतनी देर में सनातन गोस्वामी जी आ गए, अपने बड़े भाई का गुरुवत सम्मान करते थे, उनके चरण धुलाए, आसन पर बिठाया और कहा भैया खीर तैयार है, आप पहले प्रसाद पालो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। अब जो प्रसाद रखा और गोस्वामी सनातन जी ने पाना प्रारंभ किया, अंग अंग में महाराज प्रेम की लहर दौड़ गई। जैसे इस संसार का नशा क्या होता होगा महाराज, संसार में देखते हैं लोग नशा करके नाली में गिरे रहते हैं, ये भक्ति का नशा बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये संसार का नशा नाली में गिराने वाला है, और ये नाम का नशा राधा गोविंद की गोद में बिठाने वाला है, ये वाला नशा जीवन जन्म सुधार देने वाला है। सनातन गोस्वामी जी ने खीर खाई अंग अंग में प्रेम की लहर। अरे भैया रूप, ये खीर तुमने ही बनाई है क्या? ये भैया सामान कहाँ से लेके आए, ये दूध, ये चावल, ये बूरा सब कहाँ से लेके आए? तब रूप गोस्वामी जी ने सबरी बात बताई, भैया आज बड़ा चंबा हुआ, आपको खीर खिलाने की सोच ही रहा था मन में, सामान गुस्सा नहीं, मैं तो यहाँ सूखी रोटी मांग कर खा के रहता हूँ, भजन करता हूँ राधा रानी का, और महाप्रभु जी की आज्ञा से लीला स्थलियों की खोज में लगा हूं। बस तभी कोई लाली आ गई, राधिका नाम बताती थी, कहती बरसाने रहती हूँ, और सबरा सामान दे गई। अब कहने लगी बाबा तुम पे खीर नहीं बनती हो तो मैं बना दूं, बना गई है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा लाली राधिका, अरे बरसाने तो मैं भी बहुत जाय करूं, वृषभान नाम के तो गोप कोई नहीं है वहां पे। और जैसे ही दोनों भाइयों ने, उन लोगों के तो भीतर की आंख खुली हुई थी, बंद नहीं थी, जब दोनों भाइयों ने इस बात पर विचार किया वो कौन थी, जैसे ही नेत्र बंद करके विचार किया, जान गए उस बालिका की जगह साक्षात स्वामिनी श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। सनातन गोस्वामी जी विलाप करने लगे, भैया रूप तुमने क्या किया, तुमने मुझे खीर खिलाने की भावना करी, हमारी प्रिया जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तुम इतने बीहड़ जंगल में रहते हो, अपने सिर के ऊपर दूध की मटकी लेकर के नंगे पांव आई, भैया फिर कभी ऐसी कामना मत करना, प्रिया जी को इतना कष्ट मत देना। अब दोनों भाई रोने लगे थे महाराज, दोनों भाइयों ने रो रो कर खीर पाई थी, उस खीर से अभिषेक किया था, उस रज के पात्र को भी फोड़ करके पा गए थे, जिस मटकी में प्रिया जी दूध लेकर के आई थी उस मटकी को भी नहीं छोड़ेंगे, किनका किनका करके उस रज को भी पाते थे, रुदन करते थे, ऐसी रूप गोस्वामी जी पर कृपा करी थी। बैठे रहे, आनंद होता रहा। फिर श्री सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी से कहा कि बताओ रूप, आजकल क्या ग्रंथ लिख रहे हो? रूप गोस्वामी जी ने कहा भैया आजकल चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ का लेखन हो रहा है, तो दिखाओ तो सही। देखे तो बड़ी सुंदर प्रिया जी की महिमा के श्लोक लिखे थे, उसमें एक श्लोक लिखा था कि प्रिया जी की जो चोटी है कभी द्योति वेणी, जो प्रिया जी की चोटी है वो नागिन के जैसी है, प्रिया जी की कमर पर चोटी नागिन के जैसी लगती है,
नागिन के जैसी शोभा होती है। इस भाव को पढ़ा सनातन गोस्वामी जी ने। रूप गोस्वामी जी से कहा, भैया रूप, श्री जी की महिमा आप गा रहे हो, पर राधा रानी तो सच्चिदानंदमयी है, तो प्रिया जी की चोटी को नागिन की उपमा देना ठीक नहीं है। प्रिया जी की देह सच्चिदानंदमयी है, तो उनकी चोटी भी सच्चिदानंदमयी है, आपने नागिन की उपमा दे दी। बोले कुछ नहीं रूप गोस्वामी जी, पर रूप गोस्वामी जी वही लिखते थे जो उनको अनुभव हुआ। सनातन गोस्वामी जी कह के चले गए कि भैया इसको सुधार लेना, श्री जी की चोटी की नागिन से उपमा देना ठीक नहीं है। सनातन गोस्वामी जी कह के फिर अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। सोई देखा, यही दिन थे, सावन का महीना चल रहा था, सोई देखा कि राधा बाग में झूला पड़ा हुआ है और एक बड़ी सुंदर किशोरी झूला झूल रही है और आठ सखियां उसको घेर के झूला रही हैं। सनातन गोस्वामी जी ने दूर से देखा, लगा कि कोई गोप की छोरी होगी, ब्रजवासियों की बिटियां होंगी, झूला झूल रही है सावन में। तभी जैसे पास जाने लगे तो उस किशोरी की पीठ थी, सनातन गोस्वामी पीछे से आ रहे थे, तो देखा सनातन गोस्वामी जी ने कि उस बिटिया की पीठ पर नागिन सी चल रही है। थी तो उस बेटी की चोटी, पर दूर से सनातन गोस्वामी जी को लगा नाग हो। तो सनातन गोस्वामी जी भागे, लाली तेरी पीठ में सांप, लाली तेरी पीठ में सांप, अरे लाली संभलियो तेरी पीठ में सांप। भागते भागते जैसे ही पास पहुंचे तो देखा कि पीठ में सांप नहीं, वो तो चोटी लहरा रही है। अरे अचंभे में रह गए, दूर से नागिन जैसी लग रही थी। जैसे ही पास को भाजे तो अब ना वहां झूला, ना वहां कोई किशोरी और ना वहां कोई सखिया। सनातन गोस्वामी जी अचेत होकर के गिर पड़े और जान गए कि रूप गोस्वामी जो भी लिखते हैं वो अनुभव करके लिखते हैं। लौट करके फिर रूप गोस्वामी जी के पास गए और कहा, भैया रूप, तुमने जैसे लिखा था वैसे ही लिखो, वास्तव में प्रिया जी जब झूला झूलती हैं तो उनकी चोटी ऐसे ही लहराती है जैसे कोई सर्पिनी हो, तुम्हारी उपमा गलत नहीं थी। तब रो करके रूप गोस्वामी जी को हृदय से लगा ली। ऐसे ऐसे जाने कितने दिव्य अनुभव हुए। जीव गोस्वामी जी से तुलसीदास जी का मिलना हुआ है, रूप गोस्वामी जी के भजन स्थली का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को कराया है, गोविंद देव जी का दर्शन करवाया है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमको सनातन गोस्वामी जी के स्थान पर भी ले चलो। जीव गोस्वामी जी सब कथा सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, सनातन गोस्वामी जी का मंदिर आदित्य टीला पे। जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के शिष्य भी हैं और भतीजे भी हैं, उनके छोटे भाई के बेटे हैं, अनुपम जी के पुत्र हैं। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन विराजते थे और भिक्षा करने जाते थे। एक बार मथुरा भिक्षा करने गए, क्योंकि वृंदावन में तो कोई रहता नहीं था, तो महात्मा लोगों को भिक्षा करने प्राय मथुरा जाना होता था। मथुरा में दामोदर चौबे का घर था, उनके घर में एक मदन मोहन जी का विग्रह था। और ये मदन मोहन जी कौन थे? संतों का कहना है ये मदन मोहन जी अम्बरीश जी के सेवित ठाकुर जी हैं, सतयुग के ठाकुर जी हैं। अम्बरीश जी मदन मोहन जी की सेवा करते थे और ये ठाकुर जी आदित्य टीला पे विराजमान थे। जब अद्वैत प्रभु जी आए तब आदित्य टीला से उन्होंने आविष्कार किया, प्रकट किए मदन मोहन जी। और फिर जब जाने लगे तो दामोदर चौबे के घर पर विराजमान कर गए, उन्हीं के यहाँ विराजमान थे। सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करने जाते थे, जो माई थी वो भिक्षा देती थी सनातन गोस्वामी जी को, और सनातन गोस्वामी जी बाहर से उनके ठाकुर जी का भी दर्शन करते थे और दर्शन कर करके विभोर होते थे। मैया से पूछते थे, मैया ये कौन है? तो ब्रजवासिन मैया कहती, बाबा ये मेरो छोटो छोरा है। तो मैया, तेरे कितने छोरा है? कि मेरे दो छोरा है, बड़े को नाम है सदन, छोटे को नाम है मदन। एक पुत्र तो उसका शरीर का था ही, वो ठाकुर जी को भी पुत्री मानती थी, मदन मोहन को मदन कहती थी। सनातन को स्वामी जी कहें, तेरे छोटा छोरा तो बहुत ही प्यारो है मैया। कि हाँ ये मेरा बड़ो प्यारो है, याई को प्रसाद में तुझे दिए करूं। अब सनातन को स्वामी रोज रोज उन्हीं के घर पर भिक्षा के लिए जाते, अब भिक्षा का बहाना था मदन मोहन जी का दर्शन करते।
अब वो मैया छुआछूत का विचार नहीं करती थी, वो इतने प्रेम के स्तर पे पहुंच गई थी कि अब वो तो बालक मानती थी, तो अपने बड़े बेटे को भी और छोटे बेटे माने मदन मोहन जी को भी दोनों को साथ में थाली परोस देती और दोनों पाते बैठ के। सनातन गोस्वामी जी देखा करते। एक दिन मैया को कहा कि मैया तू वात्सल्य भाव रखे, ये तो अच्छी बात है, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी हो यो करें, तो नेक विचार तो रखा कर, झूठ सूच का ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में पवित्रता होनी चाहिए। कि बाबा अच्छी, बोले हाँ पाप लगेगा नहीं, अच्छो बाबा तो कल से फिर विचार करूंगी। अब तो कल से मैया ने विचार करना शुरू कर दिया। फिर दो दिन बाद सनातन गोस्वामी जी आए, मैया दरवाजे पे उदास बैठी थी। सनातन गोस्वामी जी ने कहा मैया क्या बात हो गई? बोले बाबा तुम जब ते विचार करने की कह गए हो, मेरे मदन ने तो भोजन ही करना छोड़ दिया, कि अब तो छुआछूत करे मेरे ते, पहले जैसे खवावे ही वैसे ही खवा, मैं तेरे गोद में बैठ के दूध पीऊंगो और सदन के साथ ही बैठ के खाऊंगो, ऐसे नहीं खाऊंगो। तो बता बाबा कहा करूं, मदन की नहीं मानो तो मदन भूखो रह जाए, तेरी मानो तो तेरी आज्ञा का उल्लंघन हो, संतन की आज्ञा में रहना चाहिए, बता मैं कहा करूं। यह सुन करके सनातन गोस्वामी जी तो निहाल हो गए, बोली मैया तू जैसे सेवा करती है तू वैसे ही कर, तू इन सब बंधनों से बहुत ऊपर हो गई है, तेरे प्रेम में ठाकुर बंध गए हैं, बस रोज रोज अपने प्यारे का मदन का दर्शन करा दिया कर। अब सनातन गोस्वामी जी कुटिया पे मन ही नहीं लगता, रोज मथुरा पहुंच जाए, और सनातन गोस्वामी जी का मन नहीं लग रहा था मदन के बिना, ऐसा है नहीं, अब मदन का भी मन नहीं लग रहा था सनातन गोस्वामी जी के। मैया तो वृद्धा हो गई थी, घर में कोई बचा ही नहीं। एक दिन पहुंचे, कई दिन बाद सनातन गोस्वामी जी देखे मैया रो रही है दरवाजे पे बैठ के। सनातन गोस्वामी जी ने कि मैया अब का है गयो? बोले बाबा अब मदन न्यारी हट कर रहे हो। बोले कहा कह रहे हो? बोले बाबा कह रहे हो मोते कि अब मैं तो वो मधुकरी वाले बाबा के संग जाऊंगो, अब मथुरा वास नहीं करूंगो, वृंदावन वास करूंगो। बाबा रोज रोज हट करे, भोजन भी छाड़ राखो है, बता कहा करूं? मैं मन में सोचती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ, घर में और कोई है नहीं, सेवा तो मरने के पीछे भी कोई लेगो, तो बाबा मदन भी यही चाहे, जियो तो नहीं जाएगो पर वहीं दर्शन करवे आ जायो करूंगी, तो ले बाबा तू मदन को ले जा। और ये कह करके सनातन गोस्वामी जी की गोद में मदन मोहन जी दे दी। सनातन गोस्वामी जी तो पहले प्रेम में बावरे हो रहे, और सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को गोद में लेकर के श्री वृंदावन पधारे। आपने दर्शन किया हो, अभी तो ये ठाकुर जी करौली में विराजते हैं, औरंगजेब के आतंक के समय मदन मोहन जी करौली, राजस्थान करौली जहाँ केला देवी हैं वहां पर विराजते हैं दिव्य मंदिर में, पहले वृंदावन ही विराजते थे। आज भी काली देह के पास में मदन मोहन जी का पुराना मंदिर है, सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है बिहारी जी के पीछे। सनातन गोस्वामी जी ने वहां विराजमान कर दिया मदन मोहन जी को। अब तो महाराज आनंद हो गया, भक्त भगवान एक हो गए। अब सनातन गोस्वामी जी तो फक्कड़ महात्मा, और उनको महाप्रभु जी की आज्ञा से सब लीला स्थलियों का उद्धार भी करने जाना होता था। अब बड़े वैराग्य से रहते थे, तो स्नान तो कर देते थे, अब पोशाक नहीं पहनाने को, तो जैसे सनातन गोस्वामी जी खुद लंगोटी लगाते, ऐसे ठाकुर जी को लंगोटी लगा दी, कि महाराज मैं भी लंगोटी में, मेरा ठाकुर भी लंगोटी में, ऐसे खड़े रहना। अब भोग का समय आया तो कुछ था नहीं, वे केवल आटा मांग के लाते थे सनातन गोस्वामी जी, और आटे को एक ही बार घोल बना के गोला बना लेते थे, रोटी भी नहीं बेलते थे, बाटी जैसा बना करके और वह आंच पे कच्ची पक्की सेक लेते थे, और मदन मोहन जी के सामने परोस दी रखनी, लगाइए भोग। अब मदन मोहन जी पे सटकी जाए वो तो वहां 56 भोग आरोपते, एक दो दिन चार दिन सटकी, अब बड़ी मुश्किल से जल से नीचे उतारते। एक दिन तो मदन मोहन जी को कह दी, सनातन गोस्वामी जी को कह दी मदन मोहन जी ने कि बाबा ये बाटी मेरे से नहीं गले के नीचे सरकाई जाए, बाटी कोई दाल साग नहीं, वो भी अलौनी बाटी, कम से कम नमक तो डाल दिया करो बाटी में, बिना नमक की बाटी कैसे खाई जाएगी।
सनातन गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ये मेरे से नहीं होएगा, आज आप नमक मांग रहे हो, कल को बूरा मांगोगे, अब परसों घी मांगोगे, अब फिर रसगुल्ला मांगोगे, अब फिर 56 भोग मांगोगे, मैं गरीब फक्कड़ महात्मा या महाप्रभु जी की आज्ञा से धाम का आविष्कार करने को, लीला स्थली प्रकट करने को आया हूँ, मैं ये सेवा करूँ के भजन करूँ के लीला स्थलियों का प्रकाश करूँ के अब मैं नमक और चीनी और मसाला मांगता डोलूँ, तो प्रभु यहाँ तो यही व्यवस्था है, अंगावाटी बिना नमक की मिलेगी, आप अपनी राजी से आए हो। मदन मोहन जी ने कही, अच्छा बाबा, बोले हाँ सरकार मेरे पे तो यही व्यवस्था है, तो अच्छा फिर मैं अपने आप कर लूं व्यवस्था। सनातन जी ने कहा, अपने आप करना चाहो सो आप कर सकते हो। सो ठाकुर जी ने जजमान फंसा लिया। कहते हैं उस समय यमुना जी बिल्कुल मदन मोहन जी के मंदिर से लग के ही बहती थी, और एक पंजाबी सेठ थे, नाम था उनका रामदास कपूर, वे आगरा जा रहे थे यमुना जी के माध्यम से व्यापार करने, और महाराज वृंदावन होते ही जा रहे थे आगरा, और मदन मोहन जी का मंदिर आया, सोई उनकी नौका बैठ गई यमुना जी, अब भतेरे जोर लगा लिए चले नहीं, अब उस नौका में बहुमूल्य सामग्री मेवा सब भरी हुई थी, व्यापार करने जा रहे, बड़े परेशान बैठती चली गई नौका। नाविक से कहा, नाविक ने कहा, महाराज पता नहीं कैसी भंवर में दलदल में फंस गई, और नहीं कुछ करा गया तो बैठ जाएगी सबरा, माल समाप्त हो जाएगा, क्या करे, कोई दिखता नहीं। तभी उन कपूर जी ने देखा कि ऊपर टीले पर दिया जल रहा है, लगता है कोई है, सहायता मांगो जाके। ऊपर पहुंचे तो सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, दिया जल रहा था, पास में मदन मोहन जी। रामदास कपूर ने जाके प्रणाम किया, हे महाराज बड़ी विपत्ति में हूं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, क्या नाम है? बोले, महाराज पंजाब का सेठ हूँ, मेरा नाम रामदास कपूर है, आगरा व्यापार करने के लिए आया था, मेरी नौका यहाँ आदित्य टीला के पास फंस गई है दलदल में, आप कुछ उपाय बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए, मेरी नौका निकल जाए, फिर आप जो कहोगे आपकी सेवा कर दूंगा, जितना कहोगे उतना दान दे दूंगा, सेवा कर दूंगा, मेरी नौका निकलवा दीजिए, नौका अटक गई है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर ये तेरी नौका अटकी नहीं है, अटकाई गई है। बोले, कौन ने अटकाई है? बोले, ये जो तेरी टांग पे खड़ा है ना कोने में, सब इसी की लीला है, इसी से कहो। बोले, अच्छा, तब तो रामदास कपूर जी मदन मोहन जी के चरणों में पड़ गए, क्षमा मांगने लगे, हे ठाकुर जी नौका निकलवा दीजिए, अब की बार जो व्यापार में लाभ होगा, मेरा माल बच जाए, पूंजी बच जाए मेरी, जितना लाभ होगा सब आपके लिए, आपका दिव्य मंदिर सेवा की व्यवस्था कर दूंगा। ये कह के नीचे गया, बिना सहारा लगाए नौका जल पे तैरने लगा। अभी नीचे पहुंचे ही था, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, नौका जल पे तैरने लग गई। और तब तो महाराज ये व्यापारी चले और आगरा लेकर के गए, इनको उस बार व्यापार में भी दुगना तिगुना लाभ हुआ, और फिर ये सब उस धन राशि को लेके आए। कहते हैं उस समय 1,00,000 रुपए इन्होंने खर्च किए, 500 वर्ष पहले, बहुत बड़ी रकम थी, और उससे विशाल मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण किया, सब भोगराग की व्यवस्था करी, सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ली, और भजन करके मदन मोहन जी की सेवा करते हुए इन्होंने सर्वस्व ठाकुर जी को अपना प्रदान कर दिया, और अपने जीवन जन्म का कल्याण किया। तब सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी की सेवा में रहे, पीछे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को सेवा में रख दिया, फिर सनातन गोस्वामी जी नंदगांव चले गए, अनेक जगह भजन किया है सनातन गोस्वामी जी ने। नंदगांव में पावन सरोवर है, पावन सरोवर के पास सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली है, वहां पर सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे, बहुत समय तक भजन किया, कृपा नहीं हो रही थी, लीला का दर्शन नहीं हो रहा था, सोचा लीला का दर्शन नहीं हो रहा, अब अनशन करके शरीर का त्याग कर देंगे, अन्न जल भोजन सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। तब तो एक दिन इनके पास भी एक 7-8 वर्ष का सांवला बालक आया, लोटे में दूध लेकर के, सनातन गोस्वामी जी से आकर के बोला, ले बाबा दूध पी ले। सनातन गोस्वामी जी कहें, लाला तुम कौन हो? बोले, बाबा मैं यही गांव में रहूं, हम 4 भाई हैं। कहां कहां नाम है? बोले, बड़े को हरिदेव है,
वहां तो छोटे को केशव देव है, वहां तो छोटे को गोविंद देव है। ऐसे हम चार भाई हैं। बाबा तुम्हारे पिताजी को कहां नाम है? बोले पिताजी को नाम है नंदू। तो तुझे कैसे पता पड़ी? बोले बाबा मेरी मैया ने कही कि एक महात्मा बैठा है भूखा पावन सरोवर पे। अरे भूखे रहने से कृपा थोड़ी हो जाएगी, ब्रज में पढ़ो रे, ब्रज में पड़े रहनो भी बहुत बड़ो भजन है। तो ले दूध पी ले। और ये कह करके दूध दे करके चले गए। और सनातन गोस्वामी जी ने दूध पिया तो वही खुमारी जो रूप गोस्वामी जी के खीर खा के चढ़ी थी, वही खुमारी फिर चढ़ गई प्रसाद पाकर। विभोर हो गए, विचार करने लगे कौन थे। उस प्रेम की खुमारी में निद्रा में सो गए और फिर स्वप्न में महाराज वो लाला प्रकट हो गया। सनातन गोस्वामी जी पूछ रहे हैं आप कौन हो? बालक कह रहे हैं मैं नंद को लाला हूं बाबा, यहीं पर्वत पे रहता हूं, तुम भूखे थे रहा नहीं गया इसलिए तुम्हारे लिए दूध लेके आया हूँ। और इस पर्वत के नीचे ही गुफा में नंद बाबा जशोदा जी मेरे विग्रह विराजमान हैं, तो जल्दी आविष्कार करो, पर्वत के ऊपर मंदिर बनवाओ, सेवा का प्राकट्य करो। सनातन गोस्वामी जी हड़बड़ा करके उठे, श्री कृष्ण की कृपा हो गई ये जान करके। और जैसे ही नंद गांव के निकट जहाँ पर्वत पर मंदिर है वहीं नीचे गुफा में जब भीतर प्रवेश किया, झाड़ झंकार को हटाया, पत्थरों को हटाया, तो क्या देखा? भीतर नंद यशोदा जी के बड़े बड़े विग्रह और श्री कृष्ण बलराम के विग्रह विराजमान थे। आप नंद गांव जाके दर्शन करते हैं तो वहां ठाकुर जी विराजमान है ना, नंद जी, यशोदा जी, श्री कृष्ण बलराम जी, वो कौन के प्रगटाए हैं, कौन के विराजमान किए हुए हैं? सनातन गोस्वामी जी के। सनातन गोस्वामी जी ने नंद गांव का प्राकट्य किया, विराजमान किए। और श्री सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, इन लोगों ने कितना परिश्रम किया। सनातन गोस्वामी जी रहते तो वृंदावन में थे जहां समाधि स्थल है, और प्रतिदिन पैदल वृंदावन से गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे। वृंदावन से पैदल गिरिराज जी की परिक्रमा करने, और परिक्रमा करके फिर बरसाना नंदगांव दर्शन करते हुए फिर वृंदावन आते थे, वृंदावन के सब देवालयों के दर्शन करते थे और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके फिर कुटिया पे आते थे। सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन लगभग 90 मील चलते थे, प्रतिदिन 90 मील, और ये क्रम उनका जीवन भर चलता रहा। जब उनकी 90 वर्ष की अवस्था हो गई, गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते करी नहीं गई, वृद्ध थे, थक गए, गिर गए मूर्छित होकर के। तभी देखा कि सामने एक बालक प्रकट हो गया है और मुख पर जल का छींटा देकर के सनातन गोस्वामी जी को उठा रहा है। सनातन गोस्वामी जी को थोड़ी सुध आई और खड़े हुए, देखे सामने बालक खड़ा है। बोले तुम कौन हो? बोले यहीं गिरिराज जी में रहता हूं बाबा, तुम गिर गए थे? बाबा बोले हाँ, वृद्धा हो गया हूं ना। बोले बाबा इतने वृद्ध हो गए हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा रोज रोज क्यों करते हो? अब नियम को छोड़ दो, अब नहीं होती तो मानसिक परिक्रमा कर लिया करो, इतनी दूर वृंदावन से आते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल करते हो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा लाला जब तक ये शरीर है तब तक नियम का त्याग नहीं करूंगा, भले प्राण निकल जाए यही तो होगा, अधिक से अधिक के प्राण निकल जाए और भजन करते प्राण चले जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? कोई बात नहीं, जाते हो तो चले जाए, लेकिन नियम नहीं छोड़ूंगा। बालक ने बहुत समझाई, बाबा छोड़ दो, तुम्हारो कष्ट मेरे पे देखो नहीं जाए, तुम रोज रोज आया करो परिक्रमा के लिए, इतने वृद्ध हो गए मानसिक कर लिया करो, अच्छा महीने में एक बार कर लिया करो, अच्छा एकादशी के दिन कर लिया करो। पर बाबा नहीं माने, मैं तो ऐसे ही आऊंगा, प्राण निकलते हो तो निकल जाए। तब ठाकुर जी पे रहा नहीं गया। सनातन गोस्वामी जी ने कहा लाला तो अपनो परिचय तो बता, तू मोको रोज देखे करे, मैंने आज तो को देखो है, तू कौन है? तब ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और देखा वो बालक नहीं, बालक की जगह श्री मदन मोहन जी प्रकट, मदन मोहन जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रभु आप आए थे? सनातन गोस्वामी जी को कहा मदन मोहन जी ने, भक्त जब गिरता है तो उठाने के लिए मैं ही आता हूं। अब ये लो गिरिराज जी की शिला, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम है ना, ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी को गिरिराज जी की शिला दी और शिला के ऊपर अपने चरण रख दिए
अपनी वंशी की छाप दी, गैया के खुर की छाप दी, लकुटी की छाप दी, वो दिव्य शिला सनातन गोस्वामी जी को दी और कहा, हे सनातन गोस्वामी जी, रोज रोज गिरिराज जी नहीं आया करो, इस शिला की ही चार परिक्रमा कर लिया करो, इस शिला की जो चार परिक्रमा करे उसको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। आज भी वो गिरिराज जी की शिला राधा दामोदर जी के मंदिर में वृंदावन में विराजमान है। लोग चार परिक्रमाएं करके गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ उठाते हैं। ये शिला ले जाओ। भाव विभोर हो गए सनातन गोस्वामी जी, सिर पर शिला रख करके प्रेम में विभोर होते हुए वृंदावन आए। तब से गिरिराज जी जाना तो बंद हो गया। फिर उसके पश्चात गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, वो भी बहुत दूर पड़ता था। एक दिन गोपेश्वर महादेव दर्शन करने जा रहे थे, सो भी मार्ग में अचेत होकर गिर पड़े, तो गोपेश्वर महादेव मार्ग में प्रकट हो गए। उठाया श्री सनातन गोस्वामी जी को। सनातन गोस्वामी जी अवाक होकर के उठे, देखा तो सामने गोपेश्वर महादेव खड़े हैं, चरणों में प्रणाम किया सनातन गोस्वामी जी को। गोपेश्वर महादेव ने कहा, मत आया करिए इतना दूर दर्शन करने को, बहुत वृद्ध हो गए हैं, नहीं चला जाता है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, आप नाथ, आप ही की कृपा से तो ब्रज में वास मिला है, दर्शन से मत रोकिए। सनातन गोस्वामी जी के लिए महादेव ने कहा, आपके लिए मैं यहीं रास्ते में प्रकट हो जाता हूं। गोपेश्वर महादेव दूर पड़ता है, यहां आपके लिए वनखंडी में प्रकट हो रहा हूं। तो वृंदावन में लोई बाजार के पास जो वनखंडी महादेव है, वो वनखंडी महादेव कौन है? जो कि सनातन गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए, स्वयं भोले बाबा। जो महत्व गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने का है, वो वनखंडी महादेव के दर्शन करने का है। सनातन गोस्वामी जी पर इतनी कृपा हुई, बहुत समय तक दोनों भाई विराजमान रहे। फिर विक्रमी संवत 1611 की गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जी अपने मदन मोहन जी का स्मरण करते हुए, उन श्री गिरिराज जी की शिला को हृदय से लगाए हुए, सनातन गोस्वामी जी ने अपनी देह का त्याग किया था। ये खबर सारे ब्रज में आग की तरह फैल गई थी। सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी जी को पिता मानते थे। तब उनके वियोग में सब ब्रजवासियों ने अपने सिर मुंडवाए गुरु पूर्णिमा के दिन। इसलिए गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूनो कहते हैं। आप जानते हैं गिरिराज में सबसे बड़ी परिक्रमा गुरु पूर्णिमा के दिन लगती है, उसको मुड़िया पूनो का मेला कहते हैं। सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, 20-30 लाख लोग पहुंचते हैं परिक्रमा देने के लिए। वो किस लिए लगती है मुड़िया पूनो की परिक्रमा? क्योंकि उस दिन समस्त ब्रजवासियों ने अपना सिर मुंडवाया, जैसे हमारे पिता का देहांत हो गया हो, और सनातन गोस्वामी जी की पावन देह को लेकर के गिरिराज में परिक्रमा लगाई, और फिर श्री वृंदावन ला करके मदन मोहन जी के मंदिर के पास सनातन गोस्वामी जी को समाधिस्थ किया। इसलिए मुड़िया पूनो की परिक्रमा चलती है, लाखों लोग परिक्रमा देते हैं। और जब रूप गोस्वामी जी को पता चला कि मेरे भैया सनातन गोस्वामी जी अंतर ध्यान हो गए हैं, तब रहा नहीं गया। तब उस समय कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन तो 1611 संवत में सनातन गोस्वामी जी अंतर ध्यान हुए, उनकी समाधि हुई, और श्री रूप गोस्वामी जी समाधि दे करके उस रज को अपने देह से लगा करके अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए, और उसके बाद कुटिया से कभी बाहर नहीं निकले। और आज के दिन पवित्रा एकादशी और द्वादशी के मिलन स्थल पर रूप गोस्वामी जी ने अपने प्राण प्यारे गुरु तुल्य भाई सनातन गोस्वामी जी, उन प्रिया जी के प्रधान पार्षद के विरह में, हा राधा, हा श्याम सुंदर, हा गोविंद कहते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने भी अपनी यही लीला को अंतर ध्यान किया। श्री रूप गोस्वामी जी साक्षात रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी जी साक्षात लवंग मंजरी हैं। राधा रानी का परिकर ही ब्रज वृंदावन को प्रकट करने के लिए धाम में प्रकट हुआ, और ब्रज वृंदावन को प्रकट करके, लीला स्थली को प्रकट करके अंतर ध्यान हो गया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी श्री वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के चरित्र सुना रहे हैं, एक एक लीला स्थली का दर्शन करवा रहे हैं। भाव विभोर होकर के गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते पुनः ज्ञान गुदड़ी में आए, वहां पर मदन मोहन जी विराजमान,
मदन मोहन जी का दर्शन किया और दर्शन करके प्रणाम करने लगे। उस समय वहां मदन मोहन जी की सेवा में एक परशुराम दास नाम के पुजारी रहते थे, लेकिन उनके मन में कुछ महात्माओं के प्रति द्वेष रहता होगा। और जैसे गोस्वामी जी प्रणाम करने लगे, उन्होंने एक अनुचित बात कही। ये बात अनुचित है पर उन्होंने क्यों कही जाने। गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे थे मदन मोहन जी को, परशुराम जी ने कहा कि माथे पे रामानंदी तिलक है, भगवान सीताराम जी के उपासक हो और प्रणाम कर रहे हो मदन मोहन को। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगरा होए। ये बात अनुचित थी, श्री राम श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी ने सुना, गोस्वामी जी ने कहा पंडित जी मैंने तो कभी श्री राम में और श्री कृष्ण में भेद ही नहीं जाना, मैं तो इतना ही समझाऊं कि वही ठाकुर कभी हाथ में धनुष ले लेता है और वही ठाकुर कभी हाथ में बंसी ले लेता है, वही ठाकुर जब मुकुट सीधा कर लेता है तो राम बन जाता है, उसी ठाकुर का मुकुट जब टेढ़ा हो जाता है तो कृष्ण बन जाता है, चरण सीधे होते हैं तो राघव हैं और चरण नेक टेढ़े हो गए तो माधव हैं, कमर सीधी है तो राघव है, कमर नेक टेढ़ी है तो माधव है, इतना ही फर्क है, बाकी तत्वतः तो कोई भेद नहीं है। लेकिन शायद आपके मन में भेद है, मेरे मन में तो रामकृष्ण में भेद नहीं है, पर आपने कहा अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगरा होए। तो अच्छा, मदन मोहन जी की सेवा करते हुए भी आपके मन में यदि भेद है तो आज मदन मोहन जी जरूर आपको कोई चमत्कार दिखाएंगे। और ये कह करके मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने प्रार्थना करी के तुलसी मस्तक नवत है, झांकी बड़ी प्यारी है, पर एक बार जरा बंशी रख के धनुष भी ले लो हाथ में। तुलसी मस्तक नवत है निक धनुष बाण ले हाथ। और ये कह के गोस्वामी जी ने जैसे ही सिर झुकाया दंडवत करी और जैसे ही सिर ऊपर उठा के देखा तो क्या हुआ, उसी समय ठाकुर जी ने मुरली तो धर दी और उसी समय धनुष ले लिया। गोस्वामी जी तो निहाल हो गए, अरे देखो देखो कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, अकित गोपिन को साथ, अरे अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुना। कहिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो, ठाकुर जी ने दर्शन करा दिए, वे परशुराम दास चरणों में लौट गए गोस्वामी जी के। बहुत बहुत अनुनय विनय करी, बहुत बहुत प्रार्थना करी, तब तो सब लोग दर्शन करने को आ गए। कोई कोई विनोद करने लगे गोस्वामी जी से, बोले गोस्वामी जी कृष्ण रघुनाथ तो बन गए पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि राम जी 12 कला के अवतार हैं और हमारे श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, तो वो बड़े हैं, तो बताइए राम जी की जगह कृष्ण जी का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा भैया राम जी 12 कला के अवतार हैं ये मुझे आज ही पता चला है, मैं तो ये जानता था कि केवल दशरथ जी के बेटे हैं, अब आपने ये और बता दिया कि 12 कला के अवतार हैं तो मेरा प्रेम अब और बढ़ गया राम जी के चरणों में, मेरा प्रेम और बढ़ गया। जो जगदीश तो अधि बलो जो महेश बड़ भाग, तुलसी मांगत जन्म भर राम चरण अनुराग। तब गोस्वामी जी ने यही कहा कि नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, और नारायण जो दो कहें सो अविवेक विचार। उस समय गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद भी गाया था कि वंदो अवध गोकुल ग्राम, मैं अवध की और ब्रज की एक साथ वंदना करता हूं। बोले वंदो अवध गोकुल ग्राम, उत विराजत जान
की वर इत ही श्यामा श्याम, इतना अंतर है। अयोध्या में सीताराम विराजते हैं, यहां श्यामा श्याम विराजते हैं। उहां सरजू बहत निर्मल और यहां यमुना नीर, पे दो मूरति हरत कलिमल सकल जन की पीर। वहां सरयू बहती है, यहां यमुना बहती है। वहां बोले मणि मुकुट सिर क्रीट राजत, वहां लक्ष्मण बाल अमोर मुकुट अरु वेणु कर, यहां निकट हल धर ग्वाल वंदो अवध गोकुल गां। उहां केवट सखा तारे विहस के रघुनाथ, और इहां निगय दुनाथ तार्यो कूप गहि निज हाथ। राम जी ने केवट को तारा तो श्याम सुंदर ने राजा निग को तारा। उहां शबरी धाम दीनो शील सागर राम, और इहां चंदन ल्याय कुबरी करी पूरन काम। श्री राम ने शबरी जी पे कृपा करी तो श्याम सुंदर ने कुबजा पे कृपा करी। और भैया सुन ले ओ, भक्त हित श्री राम कृष्ण सु, भक्त हित दो राम कृष्ण जु, भार्यो नर अवतार अदास तुलसी दो आशा को उतारो पार। वंदो अवध गोकुल गां, वंदो अवध गोकुल गां, दास तुलसी दो आशा। गोस्वामी जी कहते हैं दो नहीं एक ही हैं, तुलसीदास को दोनों की आशा हो, जो चाहो सो पार उतार दो। दास तुलसी दो आशा को उतारो पार। और गोस्वामी जी विभोर होकर के धाम में रहे, नंदगांव दर्शन करने गए, बरसाना दर्शन करने गए, गोकुल दर्शन करने गए, विठलनाथ जी से मिलना हुआ, जीव गोस्वामी जी के साथ सत्संग हुआ, और फिर बहुत आनंद करके अनेक दिन धाम में रह करके और फिर तुलसीदास जी लौट करके आए हैं, काशी में आकर विराजमान भए। और उसके पश्चात भी गोस्वामी जी का बहुत चरित्र है, पर अगर गोस्वामी जी का चरित्र कुछ अधिक विस्तार से कहा तो फिर इस बार केवल गोस्वामी जी का चरित्र होगा। पर भक्तों का आग्रह है कि कल से कबीर दास जी का चरित्र प्रारंभ हो, और फिर सूरदास जी का होना है तो सबका थोड़ा थोड़ा चरित्र संभव है। तो तुलसीदास जी ब्रज से लौट करके आए, इसके बाद तुलसीदास जी के बहुत चरित्र हैं। तुलसीदास जी ने मिथिला की यात्रा करी, मिथिला में सीतामणि नामक स्थान का उद्धार किया। वारीपुर दिगपुर प्रयाग और काशी के बीच में एक गांव था, वहां बैठे गोस्वामी जी, बैठे तो बैठे ही रह गए। 3 दिन तक समाधि लगी रही, और ध्यान में देखा कि मैं कहां आकर के बैठ गया, ध्यान ही नहीं खुल रहा। तब आंखों के सामने जानकी जी प्रकट हो गए, और जानकी जी ने कहा को स्वामी जी ये वही स्थान है जहां पूर्व जन्म में वाल्मीकि जी के रूप में आपने सिद्धि प्राप्त करी है, सीतामणि स्थान है, वाल्मीकि जी का पूर्व समय में यही आश्रम था। तब तुलसीदास जी ने वहां सीतामणि की स्थापना करी, और तुलसीदास जी आगे चले बेलाप तार में। धनीदास नाम के एक महात्मा थे, उन पर कृपा करी, वो मंदिर में पुजारी थे, भोग रखते थे भगवान को, भोग चूहा खा जाता था। अब वो कह देते थे भगवान ने भोग लगाया है, तो बहुत लोग आके चमत्कार देखते थे, पर भोग चूहा खाता था। एक दिन राजा आया कि पुजारी जी की बड़ी महिमा बढ़ गई है, कहते हैं कि भगवान भोग लगाते हैं, अब हम देखेंगे कि भगवान कैसे भोग लगाते हैं, ये कुछ गड़बड़ है। उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे थे। अब धनी दास जी के तो प्राण गले में आ गए कि राजा परीक्षण करना चाहता है, अब भोग तो भगवान हमारा लगाते नहीं, चूहा खा जाता है, हम कह देते हैं भगवान ने भोग लगाया, अब क्या किया जाए। तुलसीदास जी को सब बात कही,
तुलसीदास जी ने कहा, भैया कोई बात नहीं, भावना से लगाओगे तो भगवान भी भोग लगाएंगे। धनी दास जी ने कहा, मेरे में इतना बल नहीं है, यदि आज मेरा झूठ पकड़ा गया तो राजा मुझे मार डालेगा। तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम भोग लगाएंगे। और तब गोस्वामी जी ने रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाई, तब राजा को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि भगवान ही भोग लगा रहे। उस समय गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी झूठे भगत की पछ राखत भगवान, जिमी मूरख उपरोत ही देत दान जजमान। बोले जैसे कोई मूर्ख ब्राह्मण भी घर आ जाए, पुरोहित आ जाए,